वो देखिए सर, राम का टीला। प्रभु रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ था कुछ दिन यहीं पर रुके थे। संभाल कर विनोद। हाँ चाचा जी, आपको कहाँ छोड़ूं, स्कूल या घर? आप चलिए हमारे घर, सफर से थक गए होंगे। थैंक यू चाचा जी, लेकिन आज प्रोजेक्ट का दौरा कर लेना जरूरी है, बाद में तो बहुत मौके मिलेंगे आपके घर आने को। नहीं नहीं सर, प्रोजेक्ट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वहाँ काम बहुत स्मूथली चल रहा है। बल्कि चलिए ना, चाचा जी के यहाँ चाय पी लेते हैं। विनोद, ज्यादा चाय पीना अच्छा नहीं है। क्यों? जानते हो चाय एक तरह का स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे जहर का काम करता है। धीरे धीरे ही तो करता है ना सर, यहाँ किसे मरने की जल्दी पड़ी है। चलिए तो सही, चाची जी सिर्फ चाय ही नहीं मिठाई और नमकीन भी देती हैं। क्यों चाचा जी? नहीं विनोद, आज प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं। ऐसा करते हैं, पहले चाचा जी को छोड़ देते हैं घर, और बस एक मिनट चाची जी से भी मिल लेते हैं। लगता है यहाँ स्टेशन गांव से काफी दूर है। हाँ, स्टेशन को तो गांव के पास होना चाहिए। नहीं सर, स्टेशन अपनी जगह पे ही ठीक है, उसे रेल लाइन के पास ही होना चाहिए। आओ, आओ, आइए सर। आओ। प्लीज थैंक यू मैम। सर, यही है हमारी चाची जी। तुम्हारा ही नाम सुनील है ना? जी। हमारी मीरा की ननन के। हाँ, मैं उन्हीं का भांजा हूँ। चलो चलो अंदर आओ। नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, मैं कभी और आऊंगा। अरे इसे अपना ही घर समझो, आओ आओ। देखा ना, अरे हमारी चाची जी जैसी चाची जी कहीं नहीं मिलेगी, आइए ना। लेकिन अरे चाची जी, बनाइए ना वो सब मिठाइयाँ नमकीन जो आप मतलब गीता बनाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। अरे गीता कहाँ गई? गीता, अरे चाची जी बुलाइए ना गीता को, घर पर मेहमान आए हैं, पता नहीं कहाँ छिपी बैठी है। गीता बेटी। गीता, ये है हमारे इंजीनियर साहब सुनील कृष्ण। अरे नमस्ते तो करो। नमस्ते। हेलो। इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी से इंजीनियरिंग पास किया है, 4-5 साल यूरोप थे, अभी पिछले 3 साल से हिंदुस्तान में है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंचार्ज कंस्ट्रक्शन। वैसे विनोद, सिर्फ मेरी ही तारीफ करते रहोगे या? ये है गीता, अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। वैसे अरिथमेटिक का पेपर कुछ खराब हुआ है, इसलिए ये डर है कि कहीं लड्डू न मिल जाए। फिलहाल गाना सीख रही है, यानी अरिथमेटिक की कमी को गाने से पूरा करके अगर कोई अच्छा दूल्हा मिल जाए। मैं इसलिए सीख रही हूँ गाना, देखो माँ। चुप गीता। लेकिन गाने की हालत भी अरिथमेटिक जैसी ही है, वैसे मैं पास कर लूँ तो बात अलग है। बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर, वैसे मीरा जी ने बता भी दिया था। मीरा दीदी को क्या मालूम मेरा अरिथमेटिक का पर्चा ठीक नहीं हुआ। आपके पर्चे के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ के बारे में, मधुपुर, आप, आपके माता पिता। अच्छा विनोद, अब चलते हैं, शाम को फिर आएंगे। देखिए हमारे इंजीनियर साहब विलायत से आए हैं चाची जी, जब तक आप खुद इनको इसी वक्त चाय का निमंत्रण कम से कम 2 बार नहीं देंगी, ये तो बिना चाय पिए ही चले जाएंगे। शाम का तो सिर्फ बहाना है, एम आई राइट सर? ये बात तो नहीं। बैठो बैठो, चाय पी के ही जाना, एक बार बैठने को भी नहीं कहा। बैठिए सर। गीता तुम यहां बैठो, मैं अभी आई। इस विनोद को क्यों ले आए साथ? मैं क्या करता, खुद ही आ गया। मैं तो कहूंगा सर, सारी फैमिली ही अच्छी है, और गीता तो बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे ही अंदर वैसे ही बाहर। गुस्सा आया तो फौरन बरस पड़ी, हंसी आई तो बिल्कुल झरने के पानी की तरह बह गई, और नटखटपन में तो सर दीपू के भी कान काटती है। छोटी सी इमली के लिए ऐसी लड़ पड़ती है कि मैं खाऊंगी। मुझे तो वो काफी शांत चुपचाप सी लगी। वो तो सर सिर्फ आपके सामने, क्योंकि आप भी शांत और चुपचाप रहते हैं ना। 2-4 दिन जाने दीजिए सर, कहीं आपका चश्मा ही उतार कर भाग न जाए। मेरी तो नकल उतारती है, कैसे मैं गाता हूँ। जैसी भी है, मुझे तो वो अच्छी लगी। मुझे भी। मुझसे नहीं होगा। जा दे आ, ऐसी जिद नहीं करते, सुनील क्या समझेगा। गुलदस्ता तुमने कहा, मैंने बना दिया, मुझे नहीं अच्छा लगता रोज रोज गुलदस्ता दे। आहा, कौन सा 10 बार देने गई है गुलदस्ता सुनील को। विनोद को तो दिया था। विनोद और सुनील एक है क्या? मैं नहीं जाती। ओह अच्छा ले,
ये गुलदस्ता दीपू पकड़ेगा और तू साथ साथ चली जाना है। चलो ना दीदी, हम गुलदस्ता विनोद भैया को देंगे। चुप रहे, गुलदस्ता सुनील को देना। चल दीपू। हाँ, और शाम को चाय पर बुलाना है, बातचीत नरमी से करना, मुंह बनाकर खड़ी मत रहना। राजू, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यंग मैन, हाउ लवली। चल दीपो। अरे आप बैठिए तो सही। वो विनोद भैया कहाँ? क्यों, तुम्हारी दोस्ती उनसे? हाँ, वो हमें जीप चलाना सिखाते थे। मैं भी सिखा दूंगा। तुम्हें आती है? क्यों नहीं। और हारमोनियम बजाना? वो तो तुम्हारे विनोद भैया को ही आता है। दीदी, तुम मेरा बया से ही सीखना। क्या आपको गाना बहुत पसंद है? अरे आप बैठती क्यों नहीं, बैठिए। मैं अभी जाना है। शाम को चाय पर नहीं बुलाओगी? शाम को घर आइए चाय पीने, माँ ने कहा है। और साथ में विनोद भैया को भी ले आना। कहाँ जाएंगी? चलिए मैं पहुँचा देता हूँ। जीप में जाएंगे? नहीं भाई, जीप तो तुम्हारे विनोद भैया ले गए। चलो दीदी। ये गुलदस्ता किसने बनाया? गीता दीदी ने। जानती हो ड्यूसलडॉर्फ में, ड्यूसलडॉर्फ जर्मनी में है, वहाँ बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं और एक एक गुलदस्ता। जब शाम ढले संकेत मिलन का, भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम लोग चले जाएंगे, शाम को घर आइएगा। वो विनोद भैया कितने अच्छे हैं ना, गाना भी गाते हैं और कितनी अच्छी बात करते हैं ना। तुझे भी विनोद पसंद है? हाँ। ये आ गए विनोद। हेलो सर। सर आपको गाड़ी की जरूरत तो नहीं? नहीं। राम सिंह गाड़ी रख देना, कल सुबह आ जाना 9 बजे। आइए सर। गीता आई थी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? ये गुलदस्ता उसी के बगीचे का है। आज का काम पूरा हुआ? हाँ सर, प्लिन का सारा काम पूरा हो गया, सीमेंट का अलॉटमेंट भी आ चुका है, साथ में दीपू भी था। हाँ, और लेबर का टेंडर? सारे टेंडर्स आ गए हैं। मेरा ख्याल है सर काम बनवारी लाल को ही दे दें, पुराना आदमी है, फिर गवर्नमेंट के 5-6 प्रोजेक्ट्स में लेबर सप्लाई कर चुका है। आप गीता के घर चले गए थे? नहीं, उसे रास्ते तक ही छोड़ आया। अच्छा। गीता कुछ खोई खोई सी लग रही थी। हाँ, वो तो उसका अरिथमेटिक का पेपर ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए कुछ परेशान सी है, कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा, वो अपने PWD के मिश्रा जी आने वाले थे? हाँ, मिश्रा जी मिले थे, लेकिन वो तो सर बनवारी लाल के बिल्कुल खिलाफ हैं। कह रहे थे 100 आदमी सप्लाई करेगा और 300 का बिल बनाएगा। अब 300 में से आप कितना काटेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100, मतलब फिर भी 100 का नुकसान तो हमारा हुआ ही। गीता ने जरूर शाम को चाय पर बुलाया होगा। हाँ, बुलाया तो है। कहा था ना मैंने, आए दिन आओ भगत करते ही रहते हैं। फिर चलेंगे हम दोनों। और सर, कहीं कुछ देर रुक गए ना तो रात का खाना भी वहीं। वैसे खाना पकाने में चाची जी हमारे रामजनक की भी छुट्टी कर देती है। अच्छा, अपने मिश्रा जी क्या कह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें? हाँ, उनके लिए तो ध्वजाधारी सिंह ये सब कुछ हैं। ध्वजाधारी सिंह,
नाम से तो लगता है सर कोई बहुत मोटा लंबा चौड़ा पहलवान आदमी है, लेकिन देखो तो बिल्कुल दुबला पतला 4.5 फुट का आदमी, धोती कुर्ता चादर तीनों मैले और आदमी खुद भी मैला। फिर रामजनक से कह दो रात का खाना ना बनाए। अच्छा विनोद, क्या तुम सचमुच बहुत अच्छा गाना गा लेते हो? क्यों, गीता कह रही थी क्या? गीता तो नहीं, दीपू कह रहा था। मैं जरा नहा लेता हूँ सर। ओके।